जय श्री ओम नमः सिद्धिप्या रमो आराधन तालम रमो सिद्धारम रमो आरियारम रमो वज्जायारम रमो लोहिस विसारम മംഗളം ഭഗവാൻ വീരോ മംഗളം ഗൗതമോക മംഗളം കുന്ദ കുർമ്മസ്തു മംഗളം സർവമംഗള മംഗളം सर्वकल्याणिकारिक प्रदान सर्वधर्मा जैन जय तो शासनम जैन जय तो शासनम जैन जय तो

अमित गति आचार्य द्वारा रचित धर्म परीक्षा ग्रंथ जिसके एक सौ नंबर का पेज है और जाति श्रेष्ठता वाले प्रकरण से आज हमारी चर्चा प्रारंभ होनी है कल हमने यहाँ पर वेद अपौरुषेय है और वेद प्रमाण है इस बात की मान्यता का निराकरण यहाँ पर देखा था और आचार्य ने विविध प्रमाणों के माध्यम से इस बात का निराकरण किया कि वेद अपौरुषीय नहीं है और दूसरी बात वे प्रमाण भी नहीं है उसमें हिंसा का वर्णन है और हिंसा का वर्णन होने से वह कैसे भी सही नहीं हो सकता हिंसा हिंसा है चाहे वो कहीं भी की जाए और किसी के लिए भी की जाए ठीक है दूसरी बात उन्होंने ये भी कही थी अपौरुषेयत्व किसी बात का प्रमाण नहीं हो सकता किसी पुरुष के द्वारा नहीं किया जाना ही अगर प्रमाण हो तो बहुत सारी चीजें हैं जो किसी के द्वारा नहीं की गई हैं ठीक है ठीके? चोरी करना व्यविचार करना झूठ बोलना परिग्रह संचय करना अपने आप ही तो लोगों को ऐसी बुद्धि होती है कि पैसा कमाओ कौन कौन प्रेरणा देता है उनको कौन ये सिखाता है लेकिन नहीं ये अपौरुषीय होने से फिर ये सब बातें भी प्रमाण हो जाएंगी सही हो जाएंगी और भी बहुत बहुत बातें यहाँ पर कहीं आप लोगों को ख्याल में होंगी ठीक है अब हम आगे बढ़ते हैं और जाति श्रेष्ठता वाले प्रकरण पर समझते हैं जाति श्रेष्ठता प्राणी सत्य शौच तप शील ध्यान और स्वाध्याय से रहित होकर भी जाति मात्र से केवल उच्च समझी जाने वाली ब्राह्मण आदि जाति में जन्म लेने से ही धर्म को नहीं प्राप्त कर सकते हैं क्या कह रहे हैं ये प्रकरण टोडरमल जी ने भी उठाया है मोक्ष प्रकाशक में अगर आप लोगों को पढ़ना हो तो वहां छठवें अधिकार में पढ़िएगा तो वहां उन्होंने इस बात का निराकरण किया कि जो ब्राह्मण आदि अपने आप को जाति से श्रेष्ठ मानते हैं वे क्यों श्रेष्ठ हैं क्योंकि हम ब्राह्मण हैं बस इतनी सी बात है अगर मान लो बाई डिफॉल्ट अगर उनका परिवार उनका जन्म इस वाले परिवार से छोड़ करके इस दूसरे वाले परिवार में हो जाता तो तो उनकी श्रेष्ठता नहीं रहती माने श्रेष्ठता का आधार क्या रहता है क्या है हमारा ब्राह्मण धर्म ठीक है यहाँ आचार्य कह रहे हैं सुनो भाई सिर्फ अच्छे कुल में जन्म लेने मात्र से ही कोई ऊंचा नहीं हो जाता अच्छा कुल क्या होता है ये विचार करो अच्छा कुल वो होता है जहां अच्छा आचरण किया जाए ब्राह्मण अच्छे क्यों थे उनकी जाति श्रेष्ठ क्यों कही गई थी क्योंकि वे अपना अधिक से अधिक समय जैसे हम ब्राह्मण के शब्द की विपत्ति करें तो वो ब्रह्म स्वरूप की आराधना करते थे अपने आत्म स्वरूप की आराधना करते थे ज्ञान ध्यान न संयमित जीवन शुद्ध सात्विक वृत्ति सदाचारमय जीवन इसके लिए वे श्रेष्ठ कहे गए कुछ ख्याल में आ रहा है अगर ये सब नहीं करें और कहें कि हम तो सिर्फ ब्राह्मण होने से श्रेष्ठ हैं, तो ये ऐसे तो श्रेष्ठता नहीं होती देखिए तो यहां आचार्य कह रहे हैं कि बिना इन सब के, सत्य के माने झूठ बोले और हम कहें कि हम श्रेष्ठ हैं ठीक है शौच माने लोभ के अभाव में शौच धर्म होता है लोभी वृत्ति रखें और ये हम कहें कि नहीं नहीं हम पवित्र हैं ऐसा नहीं होता तपशील ध्यान आदि इनसे रहित होने पर भी जीव उच्च नहीं हो जाता देखिए जातियों की भेद की कल्पना केवल आचार की विशेषता से ही की गई है आप सब जानते होंगे चार जातियां कई हैं कौन कौन सी ठीक है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र ठीक है क्या होता था कि जो जैसे मैंने अभी आपको बताया जो ब्रह्म स्वरूप की आराधना करे ईश्वर की आराधना करे ठीक है शुद्ध सात्विक और संयमित में जीवन जिए सदाचार में जीवन जिए वे क्या कहलाते थे जो अध्ययन अध्यापन का कार्य करते थे वे ब्राह्मण कहलाते थे क्षत्रिय कौन होते थे है ना जो जगत के सभी जीवों की रक्षा करने का उत्तरदायित्व निभाते थे मारने का नहीं लड़ने का नहीं ठीक है आपस में वे लड़ते हैं जो बाद बाद में जो दुर्गति हुई है हमारे देश की क्योंकि ये राजा आपस में ही परस्पर लड़ने लग गए थे क्षत्रिय उसे कहते हैं जो जीवों की सामान्य जनता की रक्षा करे ठीक है वह क्षत्रिय कहलाते थे वैश्य कौन कहलाते थे जो व्यापार धंधा ये सारे कार्य करते थे ना दुकान पे है ना जो दुकान खोल करके बैठते थे और ये सारे व्यापार करते थे वे क्या कहलाते थे वैश्य कहलाते थे और शूद्र जो सभी जीवों की सेवा करते थे है न काम करते थे नौकरी करते थे वे सब क्या कहलाते थे वे शूद्र कहलाते थे ऐसा डिसाइडेड नहीं होता था कि आप ये हो आप वो हो आप ये हो ये डिसाइड होता था आपके काम से ठीक है ख्याल में आ रहा है तो शुरू बात में जब ये चार जातियों की व्यवस्था हुई थी तो ये व्यवस्था किसके आधार से हुई थी है ना उनके काम के आधार से हुई थी उनके कार्य के आधार से हुई थी ठीक है फिर धीरे धीरे क्या होता है देखो धीरे धीरे ये होता है जैसे पिताजी ने व्यापार किया तो उसका बेटा भी क्या करेगा है ना ज्यादातर व्यापार करते थे डॉक्टर चाहता है कि उसका बेटा डॉक्टर बने है ना तो इस तरीके से धीरे धीरे फिर ये होने लगा कि ब्राह्मण अपने पुत्रों को भी फिर शिक्षा दीक्षा इसी मार्ग में लगाते थे क्षत्रिय का बेटा क्या होता था है ना वह भी उसी उसी में वही खून बहता था उसको शुरू से वही ट्रेनिंग मिलती थी ठीक है तो वो वैसे ही क्षत्रिय धर्म का पालन करता था फिर धीरे 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 ऐसा होने लगा और ये व्यवस्था हो गई कि तुम्हारे पिता ब्राह्मण थे तो तुम भी क्या हो ब्राह्मण हो तुम्हारे पिता क्षत्रिय थे तुम्हारे कुल में क्षत्रिय धर्म आता जा रहा है तो तुम क्या हो गए है ना क्षत्रिय हो गए अब फिर यहीं से फिर गायब हो यहीं से थोड़ा बस बस ये व्यवस्था अब खराब होने लग गई फिर ये बेकार हो गई क्यों बेकार हो गई क्योंकि अब हम ब्राह्मण हैं वे ब्राह्मण धर्म का पालन नहीं कर रहे लेकिन वे फिर भी अपने आप को ऊंचा समझ रहे हैं वे क्षत्रिय है, है तो बहुत कायर डरपोक है ना युद्ध में लड़ने से उन वे डरते हैं लेकिन फिर भी वे अपने आप को क्षत्रिय धर्म का और ऐसे कहते हैं कि बहुत बड़े हुए है ना अच्छे अच्छे कायर राजा भी अपनी प्रशंसा सुनना चाहते थे कायर से कायर राजा जिन्हें लड़ने में डर लगता था वे भी चाहते थे कि उनके शूर वीर होने की प्रतापी होने की कहानियां लिखी जाए गाथाएं लिखी जाए इसीलिए सब चाटुकार होते थे भाट जाति के लोग होते थे कवि वगैरह होते थे जो राजा के दरबार में हुआ करते थे और उनका काम होता था राजा की प्रशंसा करना बस तो जो एक आदमी सिर्फ इसलिए है कि वो आपकी तारीफ करेगा बस या आपको काव्य सुनाएगा ठीक है तो अब धीरे धीरे ऐसा होने लगा देखो यहाँ पे आचार ये मैं इस बात का अर्थ कर रहा था के जातियों के भेद की कल्पना कल्पना पॉइंट टू बी नोटेड ठीक है वो कौन सी मूवी है जिसमें कहते हैं ना वो हिंदू है धर्म है इसका ठप्पा कहाँ लगा होता है वो ढूंढ पीके में वो ढूंढता है है ना वो जहाँ बच्चे जन्म लेते हैं वहां जाकर के देखता है कि भैया ये धर्म वाला ठप्पा कहाँ लगता है है ना कैसे पता चलता है है ना तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि ये सारी चीजें जो की गई है क्या की गई कि, कि कल्पना की गई ठीक है कि आप ऐसा करते हो तो फिर आप ये आप ऐसा करते हो तो आप ये ठीक है अरे जैसे हमारे स्कूल में भी तो वो चार हाउस होते थे ना आजकल के जो बच्चे पढ़ते हैं ना ग्रीन हाउस अलग येलो हाउस अलग ब्लू हाउस अलग ग्रीन हाउस अलग ऐसे चार स्कूल्स में भी ठीक है किसी धर्म के आधार पे नहीं किसी विश्व आधार पे नहीं सिर्फ ऐसे ऐसे करके चार लोगों में वो व्यवस्था की जाती है तो ऐसे ही वहां पर भी शुरू में ऐसे चार जातियों की भेद की कल्पना की गई किसके आधार से आचार आचार माने आचरण प्राणियों के ब्राह्मण की प्रशंसनीय जाति कहीं भी नियत नहीं है परंपरा से ब्राह्मण कहे जाने वालों के कुल में जन्म लेने मात्र से वह ब्राह्मण जाति प्राप्त नहीं होती है पॉइंट टू भी नोटेड जो आपको सिखाया जाता है ना कि जैन कुल में जन्म लेने मात्र से आप जैन नहीं हो जाते हो आपको जैन बनना पड़ता है इसीलिए जब हम अपने बच्चों को प्रथम बार मंदिर के लिए ले जाते हैं पैतालीस दिनों के बाद तब हम उन्हें रमोकार मंत्र सुनाते हैं और उन्हें मूल गुणों के आचरण की नियम दिलाते हैं क्या करते हैं हम इसके माध्यम से कि हम कुल परंपरा से चले आ रहे उनको जैन बनाते हैं कुछ पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या कहा जा रहा है यहां ये कहा जा रहा है कि आपको वो बनना पड़ता है ठीक है देखिए ब्राह्मण जाति सिर्फ ब्राह्मण के घर में परिवार में जन्म लेने से ब्राह्मण नहीं हो जाते किंतु कैसे होते हैं जब तब पूजा पाठ एवं अध्ययन अध्यापन आदि रूप समीचीन आचरण से ही प्राप्त होती है ख्याल में है क्योंकि जिस कारण ब्राह्मणों में जो कार्य होता था अगर वही करोगे तभी तो वो कहलाओगे ठीक है देखिए आगे ब्राह्मण और क्षत्रिय आदि चारों ही वर्ण वालों की जाति वस्तुतः एक ही मनुष्य जाति है ये पॉइंट समझ में आ रहा है सारे लोगों की क्या जाति है मनुष्य है सब ये एक जाति है उसके भीतर यदि विभाग किया जाता है तो वह विविध प्रकार के आचार से ही किया जाता है यदि उक्त चारों वर्ण वालों के मध्य में स्वभावतः वह जाति भेद होता तो फिर ब्राह्मणी से क्षत्रिय की उत्पत्ति किसी प्रकार से भी नहीं होनी चाहिए थी क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि ये सारी चीजें बाई नेचर नहीं है कुछ समझ में आ रहा है क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं मैंने बाय नेचर नहीं है क्या बाई नेचर नहीं है मतलब यहां ये यह है कि कोई स्वभावतः ब्राह्मण नहीं होता कोई स्वभावतः क्षत्रिय नहीं होता क्योंकि आप देखेंगे तो ब्राह्मणों के कुल में भी बहुत शूरवीर पैदा हुए है ना जिन्होंने युद्ध किया जिन्होंने लड़ाई किया और क्षत्रिय धर्म का पालन किया ठीक है क्षत्रियो में बहुत ऐसे हुए जिन्होंने ज्ञान ध्यान जब तब इन सब में प्रवृत्ति की तो इस कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है इसका मतलब क्या है कि व्यक्ति स्वभावता नहीं है अपने आचरण के अनुसार है माने पॉइंट ये है कि आपके ऊपर ये ठप्पा नहीं लगा हुआ है कि आप ये हो आप अपने आचरण से वो बनते हो ठीक है यदि उक्त चारों वर्ण वालों के मध्य में स्वभावतः वह जाति भेद होता तो फिर ब्राह्मणी से क्षत्रिय की उत्पत्ति किसी प्रकार से भी नहीं होनी चाहिए थी कारण कि मैंने शाली जाति में एक विशेष चावल की जाति में कौद्रव अर्थात कौदों की उत्पत्ति कभी नहीं देखी है क्या कह रहे हैं क्या आम देखो बेसिक सी बात है आम के पेड़ पे अनार होता है क्या अनार के पेड़ पे आम होता है क्या क्योंकि ये स्वभावता है समझ में आ रहा है स्वभावता ऐसा ही होता है इसका मतलब अगर यहां में भी, भी स्वभावता होता, होता तो ब्राह्मण के घर में क्षत्रिय क्षत्रियो के घरों में ब्राह्मण जैसे लोग पैदा नहीं होते ख्याल में आ रहा है देखिए लोग माने वैसा आचरण करने वाले यदि यहां यह उत्तर दिया जाए कि शुद्धशील वाली ब्राह्मण स्त्री में पवित्र आचार के धारक ब्राह्मण के द्वारा जो पुत्र उत्पन्न किया गया है वह ब्राह्मण कहा जाता है माने स्त्री ब्राह्मण हो पुरुष ब्राह्मण हो तो उसका बच्चा भी ब्राह्मण कहा जाता है तो यह उत्तर भी ठीक नहीं है आप जैन क्यों हो क्योंकि मेरी मम्मी जैन है मेरे पापा जैन है इसलिए हम जैन है आचार्य कह रहे हैं ये उत्तर ठीक नहीं है बोलो कितने जैनियों को समझ ऐसे अपन अगर अलग करना शुरू कर दें तो वैसे ही है ही नहीं कितने तो, तो कम बचे हैं और ऐसे हम और अलग करना शुरू कर दें जो जैन बने नहीं है बने बने जिन्हें यही नहीं पता कि अष्टमूल गुण क्या होते हैं मध्य का सेवन चल रहा है मांस का सेवन चल रहा है मधु का सेवन चल रहा है पंचदम्बर फलों का सेवन चल रहा है सप्त तो व्यसनों का सेवन चल रहा है बोलो जुआ खेल रहे हैं ऊपर से पकड़े जा रहे हैं वैश्या सेवन कर रहे हैं मदिरा सेवन कर रहे हैं ये तो सात व्यसन है जो कुलाचार से जैनी को तो छोड़ो किसी सभ्य परिवार में भी नहीं होते कुछ ख्याल में आ रहा है और अगर हम ऐसे अलग करना शुरू कर दें तो बोलो कितने लोग रह जाएंगे आप जैन सिर्फ इसलिए नहीं हो क्योंकि आप अगर किसी महिला से पूछो तुम जैन क्यों हो क्योंकि हमारे जैन परिवार में शादी हो गई तो इसलिए जैन हो इसलिए जैन होते हैं सोचो यहां कह रहे हैं ये उत्तर ठीक नहीं है तो क्या है उत्तर क्योंकि ब्राह्मण और ब्राह्मण में सर्वकाल शुद्ध शुद्धशीलपना स्थिर नहीं रह सकता है इसका भी कारण यह है कि काल से आने वाले कुल में उस शुद्ध शीलता से पतन कहा नहीं होता है कभी ना कभी उस शुद्ध शीलता का विनाश होता ही है क्या कह रहे हैं पॉइंट समझ में आ रहे हैं अगर आप ये कहते हो कि हमारा ब्राह्मण कुल बहुत ऊंचा है इसलिए हम ऊंचे हैं तो यहाँ कह रहे हैं कि भैया अगर तुम अपने कुल की परंपरा का विचार करोगे ना तो बीच में दो चार डिफेक्टिव माल पैदा हुए होंगे जिस जिन्होंने तुम्हारे कुल की कीर्ति को जो तुम कह रहे हो ना शुद्ध शील जप तप ये सब हम करते हैं तो हम इसलिए महान है तो वो वो उन्होंने वो पालन नहीं किया इसका मतलब वो अनवरत रूप से नहीं आया ना आगे देखिए वस्तु तो अब देखो है क्या वस्तु का स्वरूप जिस जाति में संयम हो नियम हो शील हो तप हो दान हो इंद्रियों और कषायों का दमन हो ठीक है ये नहीं हो चल रहा हो और वो जान माल फूक रहे हो जाने क्या क्या फूकते हैं वो वो कर रहे हो यहाँ गुटका दबा के रखा हो और हम ब्राह्मण हैं हम साधु हैं हम तुमसे बड़े हैं ये क्या है? है ना देखो इंद्रियों और कषायों का दमन हो और सुनो दया हो ये परमार्थभूत गुण अवस्थित रहते हैं वही सत्पुरुषों की श्रेष्ठ जाति समझी जाती है बोलो आप भी दुनिया में किस व्यक्ति को अच्छा समझते हो जो अच्छा आचरण करे अच्छे से व्यवहार करे जिसके मन में दया हो बोलो निर्दयी व्यक्ति को आप अच्छा मानोगे सिर्फ इसलिए अच्छा मानोगे क्योंकि वो ब्राह्मण है और निर्दयी हो तो वो इसलिए महान हो गया क्या कह रहे हैं भैया ऐसा नहीं होता देखो योजन गंधा अर्थात धीवर कन्या आदि से उत्पन्न होकर याद है ये योजनगंधा की कहानी है ना वो नदी में जा रहे थे वो नाव में बैठे और नाव में बैठ करके वो धीवर कन्या पे आसक्त हो गए वे ऋषि इसका भी विचार नहीं किया और उन्होंने ब्राह्मण होकर के एक धीवर की कन्या को भोग किया उसको गर्भवती किया और उससे जो उत्पन्न हुआ श्रेष्ठ बच्चा हुआ देखो दीवर कन्या आदि से उत्पन्न होकर तपस्रण में रथ हुए व्यास आदिकों की की जाने वाली उत्तम पूजा को देखकर तपस्रण में अपनी बुद्धि को लगाना चाहिए माने पॉइंट समझ में आ रहा है माने क्या कह रहे हैं मां क्या थी उनकी बोलो दीवर थी नाव चलाने वाली है ना मछली पकड़ने वाली और फिर भी उससे उत्पन्न हुए व्यास की पूरी जगत में कीर्ति हुई मम्मी तो ब्राह्मण नहीं थी पापा के लिए ब्राह्मण थे लेकिन यहां कह रहे क्यों हुई क्योंकि उस व्यास ऋषि ने तपस्रण का पालन किया ऐसा देख करके सभी जीवों को तपस्रण का पालन करना चाहिए ये कह रहे हैं देखो शीलवान मनुष्य नीच जाति में उत्पन्न होकर भी स्वर्ग को प्राप्त हुए हैं रत्नगण श्राव के छंदों को याद है है ना माने मा रत्नगण श्रावकाचार्य में ये समंत भद्राचार्य ने कहा कि वो चांडाल भी सम्यक दर्शन का प्राप्ति का पात्र है तुम यहाँ जैनी बने ऐसे सीना फुलाए घूमते रहो और नरक में भी चले जाओ तो कोई जरूर कोई वो नहीं है कोई आश्चर्य की बात नहीं है और यहाँ वो है ना चांडाल जैसे जाति में उत्पन्न होने पर भी वे सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर लेते हैं बोलो क्या करें तुम बस ऐसे चौड़े हो घूमोगे के के हम जैन कुल में जन्मे जैन कुल में जन्मे जैन कुल में जन्म लेने मात्र से कुछ नहीं होता यहाँ ये कह रहे हैं नीच जाति में उत्पन्न होकर भी स्वर्ग को प्राप्त हुए हैं स्वर्ग को छोड़ो अभी देखो दुनिया में क्या हो रहा है बोलो अच्छे अच्छे जनरल कैटेगरी वाले लोग एस सी एस टी आईपीएस ऑफिसर को सलाम करते हैं कि नहीं करते हैं बोलो तो तुम कहाँ के बड़े रह गए फिर किस बात के लिए चौड़े होके घूमते हो है ना इसका मतलब व्यक्ति मेहनत करके ना अपने आप को बड़े मुकाम पे पहुंच जाता है तो जैसे दुनिया में हम देखते हैं कि मान लो कि कोई गरीब परिवार में उत्पन्न हुआ हो कोई ऐसे परिवार में उत्पन्न हुआ हो जिसकी अच्छी अच्छा परिवार नहीं समझा जाता हो उसके पिता मान लो शराब पीते हो और उसने खूब मेहनत की खूब मेहनत की और कोई बड़े पोस्ट पर चला जाता है तो उससे छोटा ऑफिसर भले ही वो किसी भी जाति का हो किसी का भी धर्म का हो उसके ऑर्डर्स फॉलो करेगा कि नहीं करेगा रामनाथ कोविंद जी दलित हैं कि नहीं है हमारे राष्ट्रपति हैं आप चाहे कितने भी बड़े बने रहो राष्ट्रपति की आज्ञा का पालन करोगे कि नहीं करोगे तो बोलो दुनिया में भी ये देखा जा रहा है कि नहीं देखा जा रहा है तो यहाँ ये यह कह रहे हैं कि तुम ऐसे सिर्फ चौड़े होके मत घूमो कि हम बहुत बड़े पुल में जन्म हो गए हैं देखो शीलवान मनुष्य नीच जाति में उत्पन्न होकर भी स्वर्ग को प्राप्त हुए हैं तथा उत्तम कुल में उत्पन्न होकर भी कितने ही मनुष्य शील व संयम को नष्ट करने के कारण नरक को प्राप्त हुए हैं तो कुल से कोई मैटर नहीं करता समझ में आ रहा है देखिए आगे चूंकि गुणों के द्वारा उत्तम जाति प्राप्त होती है और उन गुणों के नष्ट होने पर वह विनाश को प्राप्त होती है आपकी जाति उत्तम क्यों थी क्योंकि आपकी जाति में गुणवान लोग हुए ठीक है जैन जैन कुल श्रेष्ठ क्यों है बताओ क्यों है अगर जैनियों में सब पियक्कड़ पैदा हुए होते तो जैनियों की समाज में क्या इमेज होती बताओ क्यों आज ऐसी इमेज थी एक जमाने में कि जैनियों के सिर्फ कथन मात्र से उनको प्रमाण समझा जाता था वे इतने सत्यवान थे ना इतने ईमानदार व्यक्ति थे ना इसलिए पूरी जगत में ख्याति इसलिए उनको बड़ा माना जाता था इसीलिए उनकी बात को नहीं नहीं जैन साहब ने कह दिया उनने कह दिया तो मतलब वे ईमानदार व्यक्ति हैं वे ऐसा नहीं करेंगे तो समझ में आ रहा है मान लो जैन कुल में हो लेकिन झूठे बोले तो लोग बोल देंगे बताओ जैनी हो तो तुम ऐसी हरकतें कर रहे हो तुम्हें शर्म नहीं आती होता है कि नहीं होता है लोग बात करते अच्छा जैनी लोग भी जुआ खेलते हैं बोलो हमारे पंद्रह बीस लोग पकड़े जाए तो बोलो क्या क्या बात होती है सब जगह तो लोगों ने यही पूछा अच्छा हमें नहीं पता था कि तुम लोग भी ऐसे होते हो एक नीच काम करते हो बोलो अगर जैनियों के घरों में भी घर घर मदरा सेवन किया जाने लगे तो लोग क्या करते हैं अब जब हम अब पता है कैसी स्थिति आ गई है जब हम किसी को बोलते हैं कि हम रात्रि भोजन नहीं करते तो कोई ये नहीं कहता कि अच्छा आप रात्रि भोजन नहीं करते अब हमेशा ये हमें जवाब मिलता है हमने तो वो जैन साहब देखे हैं वे तो रात में ही खाते हैं बोलो कहाँ जा रहे हैं हम किस और जा रहे हैं हमने तो एक जैन व्यक्ति देखा है वो तो आलू के बिना घर तो में लड़ाई पैदा कर देता है अगर एक दिन आलू की सब्जी ना बने बोलो क्या करें उस जैन कुल को हम धीरे धीरे लजाते जा रहे हैं तुम्हें कोई याद नहीं रखने वाला कि तुम कौन हो कि कौन नहीं हो कोई ये नहीं बोलता कि फलाने व्यक्ति अब सिर्फ डायरेक्ट हमने तो बहुत से जैन देखे बहुत से जैन देखे क्या होता जा रहा है देखो चूंकि गुणों के द्वारा उत्तम जाति प्राप्त होती है और उन गुणों के नष्ट होने पर वह विनाश को प्राप्त होती है अतः विद्वानों को गुणों के विषय में उत्कृष्ट आदर करना चाहिए समझ में आ रहा है जैनियों की धाक इसलिए थी क्योंकि वो सत्य ईमानदार और इस तरीके के थे अगर हम भी इस तरीके के रहेंगे तो, तो उत्तम है और नहीं रहेंगे तो फिर क्या मतलब है खुद को तो लजाएंगे ही जैन कुल को भी लजाएंगे देखो सज्जनों को केवल शील संयम आदि गुणों से रहित अर्थात जाति का अभिमान नहीं करना चाहिए क्योंकि वह कोरा अभिमान नीच गति में प्रवेश कराने वाला है किंतु इसके विपरीत उन्हें शील का अतिशय आदर करना चाहिए क्योंकि वह उच्च पद को प्राप्त कराने वाला है चलिए आगे बढ़ते हैं वास्तविक शुद्धता जो लोग शील और सत्य आदि गुणों के बिना केवल शरीर के स्नान से पवित्रता मानते हैं उनके समान दूसरे कोई पाप रूप वृक्ष के बनाने वाले नहीं हैं। क्या कह रहे हैं सिर्फ शरीर के स्नान मात्र से अपने आप को पवित्र मानते हैं वे अतिशय पाप को वृद्धिंगत करते हैं हम गंगा स्नान करके आए हैं हम पवित्र हैं हम ना लिए हम पवित्र हैं तुम नहीं नहाए तुम अपवित्र हो सिर्फ इस वजह से और अंदर में पाप है वो अरे भैया शरीर का स्वभाव तो ऐसा है कि यह अशुचि ही है चाहे तुम कितना भी नहा लो शरीर का स्वभाव कभी शुचि नहीं हो जाएगा ये तो बाहर में व्यवहार की शुद्धता है आत्मा की शुद्धता और अशुद्धता किसमें होती है उसके बारे में विचार करो आत्मा नहाने से शुद्ध होता है आत्मा नहाता है आत्मा को पानी स्पर्श करता है तो फिर आत्मा की शुद्धता और अशुद्धता किस बात में है राग, देश पाप इनसे हमारा आत्मा मलिन हो रहा है ज्ञान ध्यान शील तप संयम इससे हमारा आत्मा पवित्र होता है और जो सिर्फ नहाने से ही पवित्र समझते हैं यहां आचार्य कह रहे हैं कि उनसे बड़ा कोई पाप को बढ़ाने वाला नहीं है देखे नहाने वाले कितना ड्रामा करते हैं नैग उनकी वो लक्ष्मण रेखा क्रॉस हो जाए किसी बच्चे से या किसी ऐसे ड्रामा करते हैं इतनी कसाय करते हैं भैया वो कहते हैं हमें नहीं आना इनके पास इतना भी क्या करना हाँ लौकिक शुद्धता रखनी चाहिए उसमें कोई बात नहीं है उसकी कोई वो बात नहीं है लेकिन उसी को इतना कषाय का कारण बना लेना ये कहीं की भी समझदारी नहीं है अक्सर मैं अक्सर यही सुना है और अक्सर मैंने यही देखा है कि वो जो ऐसे ये चौका चूल्हा बनाकर करते हैं बिल्कुल लक्ष्मण रेखा खींच करके करते हैं अगर मान लो धोखे से भी किसी से कोई जान के तो कभी नहीं करता लेकिन किसी से मान लो अज्ञानता वश वो क्रॉस हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए वो चम्मच उठा ली वहां की तो अब वो इतना क्रोध करते हैं इतना गुस्सा करते हैं बर्तन पड़ है ना पटकने लगते हैं ले तुम्हें तो कहूर नहीं है जे नहीं है वो नहीं है फलाना नहीं है इतना नहीं है उस सामने वालों को भी लगे भैया ये क्या धर्म है आपको लग रहा है कि हम बहुत धर्म के रूप में प्रसिद्ध हो रहे हैं लेकिन आप सामने वाली की नजर में इनकॉन्शियसली एंड इनडायरेक्टली ये फीलिंग करा रहे हो कि भैया धर्म करने वाले तो ऐसे ड्रामा करते इतना कषाय करते हैं आपके जीवन में धर्म है तो कषाय कम होनी चाहिए ना ये आप जो इतना सब कर रहे हो आपको अपने भाग्य पे विश्वास नहीं है अंतराय समझ करके पाप को उदय समझ करके समता धारण करना चाहिए था ना अगर हम उसका पालन कर रहे हैं लेकिन तो हम कषाय करने लगते हैं, तो बोलो कषाय क्या है पाप है कि धर्म है धर्म धर्म नहीं हो सकती कषाय कषाय है जैसे अभी हम कल हमने ये सुना था ना हिंसा हिंसा ही है चाहे आप धर्म के नाम पे कर रहे हो ख्याल में आ रहा है साक्षात देख रहे हैं कि उसमें कीड़े मकोड़े आकर के जल रहे हैं मर रहे हैं लेकिन हम तो जलाएंगे चाहे आप कितना भी उसको धर्म समझो वो अधर्म ही है आप साक्षात देख रहे हो कि वो मरना नहीं चाह रहा है संगी पंचेंद्री पशु आप मरा मार रहे हो धर्म के नाम पे आप कुछ भी समझो लेकिन भाई साहब वो हिंसा ही है तो समझ में आ रहा है ऐसे ही कषाय कषाय ही है आप किसी के नाम पर भी करो ठीक है विचार करिएगा तो यहाँ ये कह रहे हैं कि जो सिर्फ केवल शरीर के स्नान से पवित्रता मानते हैं उनके समान दूसरे कोई पाप रूप वृक्ष के बढ़ाने वाले नहीं हैं। वे अतिशय पाप को वृद्धिंगत करते हैं ये समझ में आ रहा है क्या करते हैं भगवान के सामने हम खड़े हैं मान लो कोई हमारे आगे आ गया किसी ने हमारी सामग्री ले ली किसी ने कुछ कर लिया किसी ने छन्ना ले लिया ये सब होते रहते हैं अब हम चिल्लाने में लगे हैं। ये क्या है यहाँ ये जिनवाणी कह रही है कि भैया ये आप पाप बढ़ा रहे हो आप कषाय कर रहे हो विचार करके देखो दुनी घर की कसाय मंदिर में धुलती है ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है घर के पाप मंदिर में धुलते हैं अन्य क्षेत्र कृतम पापम धर्म क्षेत्र और धर्म क्षेत्र कृतम पापम लेपो भविष्यति बोलो अगर मंदिर में ही हम कषाय करेंगे तो आप बोलो निष्कषाय कहा हो गए मंदिर में ही पाप करेंगे तो निष्पाप कब हो गए इसलिए बहुत सावधानी रखनी चाहिए ठीक है विचार करिएगा और देखो आगे मान लो कि आज मैं धोती पहन के आया और किसी बच्चे बच्चे को कहाँ पता होता है हम वहां खड़े थे और वो बच्चा आया वो छू के चला गया कैसे लोग हैं बच्चे को संभाल के नहीं रखते जाने क्यों पैदा कर दिए नहीं संभाल पा रहे हैं, तो क्यों ऐसे कुछ भी बोल बोलते पैदा कर करके ढीलते जा रहे हो कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये है पकड़ के रखो ये करो इतनी भाव से हम आए थे हमें प्रक्षाल करना था ये करना था सब बेकार ये क्या है क्या है ये ये कषाय है चाहे आप किसी के नाम पर करो अरे कोई बात नहीं अंतराय समझ करके ग्लानी करो हे भगवान आज मेरा कितना अंतराय कर्म का उदय आया जिसके कारण इतने अच्छे भाव होने के बावजूद भी मैं प्रक्षाल नहीं कर पाया मेरे पास सामग्री नहीं कोई बात नहीं है विचार करो कि आज द्रव्य पूजा नहीं होगी तो आज भाव पूजा करेंगे आज अपन और भाव ये जो इधर 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 करने का मुझे तो कई बार मैं तो मुझे एक्चुअल में मैं आपको बताऊ मुझे भाव पूजा करना ज्यादा अच्छा लगता है लेकिन फिर भी सबकी अपनी अपनी होती है किसी को लोग थोड़ा कुछ होता है, और है ना हाथ पैर हिलते रहे तो उनको अच्छा लगता है तो इसलिए वो सिर्फ अवलंबन है आपको पता है सामग्री सिर्फ अवलंबन है क्योंकि हमें अच्छा लगता है ना इधर से उठा के इधर रखो फिर थोड़ा ऐसे करो फिर चम्मच से जल चढ़ाओ ऐसे करते रहो ना थोड़ा थोड़ा ड्रामा तो ऐसे अच्छा लगता रहता है लेकिन हम बस उसे ही पूजा समझ लेते हैं भैया बहुत सावधानी की जब जिस दिन सामग्री नहीं मिले तो क्या हो गया एक दिन चटक नहीं मिली तो क्या हो तुम क्यों चटक रहे हो चटक नहीं मिली तो कोई बात नहीं आज बिना चटक के कर लो आज फल नहीं मिला तो कोई बात नहीं बिना फल के कर लो कुछ ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है विचार करिएगा है ना देखो आगे जो शरीर वीर्य और रुधिर से परिपूर्ण होकर मल से वृद्धि को प्राप्त हुआ है वह जल के द्वारा शुद्ध किया जाता है अर्थात स्नान से शुद्ध होता है इससे भला अन्य क्या आश्चर्यजनक बात हो सकती है क्या कह रहे हैं आता है कि नहीं आता है शरीर का स्वभाव ऐसा है कि सागर के जल से भी शुचि करो तो भी पवित्र नहीं होता हमारा ऐसे बोलो रोज नहाते कि नहीं नहाते अब रोज नहाते हो दिन में तीन बार नहाओ तो भी जरूरत पड़ेगी तो भी उतनी गंदगी निकलेगी तो भी मल निकलेगा है ना आप एकदम नहा धो करके आते हो और टॉबल से पहुंचते हो और टॉबल भी गंदा हो जाता है कि नहीं हो जाता है नहाने के बाद भी मैंने नहा नहा के बाद तो अपन शुद्ध हो गए ना साफ हो गए ना अब टॉबिल जिससे अपन पहुंच रहे हैं वो तो गंदी नहीं होनी चाहिए ना वो भी गंदी हो जाती है तभी शरीर का ये अच्छा खासा एकदम बढ़िया प्रेस किया हुआ कपड़ा निकालते हैं और पहनते हैं और कुछ दिनों में कुछ क्षण शरीर के स्पर्श मात्र से ही ये खराब हो जाता है दोबारा धुलने लायक हो जाता है बोलो क्यों इतना पवित्र है ये शरीर और, और आचार्य कह रहे हैं हमें तो बड़ी हंसी आती है आश्चर्य लगता है जिस जो शरीर कभी शुचि नहीं हो सकता उसे तुम नहा करके समझते हो कि हाँ पवित्र हो गए हम भैया पवित्र अपना आत्मा है शुद्ध अपना आत्मा है शुद्ध स्वरूप को जाने बिना कभी भी शुचिता नहीं होती देखिए आगे बढ़ते हैं बोलो नहाने से पवित्र होते हैं तो हमारे मुनिराज पवित्र हैं क्या पवित्र हैं अट्ठाईस मूल गुणों के धारी हमारे दिगंबर मुनिराज एक मूल गुण होता है अस्नान व्रत मूल गुण है उनका वो नहाते नहीं है हमारे मुनिराज बोलो पवित्र है क्या पवित्र है महापवित्र है देखो और सुनो अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार स्वभावत काला कोयला जल से धोए जाने पर कभी श्वेत नहीं हो सकता ठीक है फेयर एंड लवली लगाने से गोरा नहीं हो सकता ठीक है ये सारी चीजें लगा लेना अथवा मल से परिपूर्ण घट को बाह्य भाग में स्वच्छ करने पर भी वह कभी पवित्र नहीं हो सकता मैंने कोई घट माने घड़ा घड़े में गोबर भरा हो अब लोगों को गोबर भी मल नहीं लगता गोबर के ऊपर रख के रोटियां सेकते हैं बाटियां सेकते हैं और जाने क्या क्या सेकते हैं और आराम से खाते हैं गोबर क्या है भैया क्या है गोबर आप किसी के मल के ऊपर रखा हुआ खाना खा रहे हो उससे स्पर्श किया हुआ खाना खा रहे हो विवेक ही नहीं है, nahin, nahin, है। अरे गोबर गोबर है मल मल है, मुत्र, मुत्र है, है, मूत्र मूत्र ठीक किसी का मल मूत्र पवित्र है किसी का अपवित्र है ये सब मल मूत्र ही अपवित्र है और हम उसको समझते हैं फिनाइल उसमें गौमूत्र सिरप उसमें गौमूत्र टैबलेट उसमें गौ क्या सब चीज में अनुप से भी अबक्ष है आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं बाबा रामदेव के चक्कर में मत आ जाना चक्कर में मत मता जाना मैंने इन सब चीजों के जैन धर्म के अनुसार ये अबक्ष है निंदनीय है किसी का मूत्र पवित्र के एक बात बताऊं रिसर्च करोगे तो आपको भैंस के मूत्र में भी कुछ ना कुछ मिल जाएगा ठीक है और भी बहुत सारे में भी के में भी मिल जाएगा बकरी में भी मिल जाएगा और बकरी का तो माना भी जाता है कुछ कान वान में रोग हो जाता है लोग डालते भी हैं बोलो भैया क्या करोगे ऐसे सबके मूत्र पियोगे अच्छी बात है ये कोई बात है निंदनीय चीजें हैं ठीक है अपने जैन कुल को समझो देखिए आगे उसी प्रकार स्वभावता यहाँ ये कह रहे घड़े में मान लो मल मूत्र भरा हो और बाहर से एकदम दें दें अपन साफ कर तो दे पवित्र हो गया तो ऐसे ही शरीर में क्या भरा पड़ा है ये एक लेयर हटे अपनी ये जो गोरी गोरी चमड़ी दिखाई देती है साफ चमड़ी दिखाई देती है एक चमड़ी हट जाए तो बोलो क्या निकलता है इसमें से एक खुंसी हो जाए तो उसमें से क्या बाहर निकलता है बोलो रात दिन क्या निकल रहे आंख से क्या निकलता है कान कान में क्या होता है नाक में क्या होता है बोलो सब मल ही तो मल निकल रहे हैं देखो उसी प्रकार स्वभावतः मल से परिपूर्ण शरीर बाह्य में जल से स्नान करने पर कभी पवित्र नहीं हो सकता इसका मतलब ये नहीं कि कर हम बिना नाय मंदिर में आएंगे कुछ ख्याल में आ रहा है वो लौकिक शुचिता है उसका हम पालन करेंगे लेकिन हम उसको ही उसको नहा करके ही पवित्र समझ लें है ना तो फिर ये गलत है ठीक है जल से बाहरी मल शुद्ध होता है ये देखो पॉइंट बैलेंस जल से क्या होता है बाहरी मल शुद्ध होता है वह शरीर के ऊपर से पृथक हो जाता है जैसे कोई डर्ट है और हमने हाथ धो लिए तो वो जो इस पे गंदगी लगी हुई थी वही तो साफ हो गई ना बाहरी गंदगी तो साफ हुई परंतु उसके द्वारा पाप रूप मल नष्ट नहीं किया जाता यह विचार भला किसके हृदय में उदित होता हो सकता है इस प्रकार विचार कोई भी बुद्धिमान नहीं कर सकता है पापी प्राणी मिथ्यात्व असंयम और अज्ञानता के द्वारा जिस पाप को संचित करता है वह सम्यक्त्व, संयम और विवेक ज्ञान के द्वारा ही नष्ट किया जा सकता है उपाय समझ में आ रहा है उसके नष्ट करने का और कोई उपाय नहीं है यह स्पष्ट है क्रोध आदि कषायों के द्वारा उपार्जित पाप जल से धोया जाता है इस बात को जड़ आत्मा से अन्य अर्थात विवेकहीन मनुष्य को छोड़कर और दूसरा कोई भी विचारशील मनुष्य नहीं कह सकता है ये सब दुनिया मानती है एक बार गंगा जी स्नान कराओ भैया क्या होगा उससे सारे पाप धुल जाएंगे पाप कैसे होते हैं पाप हमारे खोटे भावों के कारण होते हैं ना खोटे भाव के कारण अगर पाप होते हैं तो नहाने से कैसे चले जाएंगे खोटे भाव करना बंद करेंगे तो चले जाएंगे ना ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है लेकिन दुनिया ये मूर्ख लोग समझते रहते हैं कि हम पाप करें एक बार नहा करके आ जाए तो सारे पाप नष्ट हो जाएंगे इसीलिए तो फिर दुनिया में बहुत सारे कवि हुए ऐसा नहीं कि कोई विचारशील प्राणी नहीं हुए हिंदू लोगों में भी एक ऐसा कवि हुए हैं मैथिली शरण गुप्त ठीक है ये एक राष्ट्र कवि है और इन्होंने गंगा को पाप प्रचारणी कहा क्या कहा पाप प्रचारणी दुनिया तो क्या कहती है इतनी पवित्र है ये है फलाना है ग्रंथों में लिखा है और उन्होंने कहा कि गंगा तुम पाप प्रचारनी हो पाप प्रचारणी हो कैसे क्योंकि तुम दुनिया में लोगों को पाप करने का प्रचार कर रही हो उसने क्या प्रचार किया क्योंकि इनडायरेक्टली लोगों के मन में अब ये बैठ गया है कि हम अपने जीवन में पाप करें और एक बार लगा के आएंगे और सब एकदम बढ़िया बैक टू लाइफ सब कुछ एकदम बिल्कुल जीरो से शुरुआत हो गई है हैं? अरे शरीर के छोड़ो फैक्ट्रियों के मल जा रहे हैं कौन कौन से मल जा रहे हैं उसमें आजकल बोलो लोग मजाक भी करते हैं गंगा को देवी मानने वाले देवताओं मानने वाले देशों में नदियों की ये हालत है और विदेश में जहाँ गंगा को मैंने नदियों को देवी देवता नहीं मानते एक बार देख के आओ कितनी स्वच्छ नदियां होती है उनकी क्या मतलब है ऐसी देवी देवता मानने से जैसे आप पॉल्यूट करते जा रहे हो गंदा करते जा रहे हो रत्नगण श्रावकाचार में सदा सुखदास जी ने एक बहुत अच्छा तर्क दिया उन्होंने ये कहा कि गंगा में अगर स्नान करने से पाप मुक्त हो जाते हैं है ना तो हमारे को एक बात बताओ जिन्होंने गंगा में ही जन्म लिया गंगा में ही जीवन बिताया और गंगा में ही प्राण नष्ट किए ऐसे जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, मछली मगरमच्छ और भी प्राणी में बहुत सारे जीव जंतु पानी में बहुत सारे जीव जंतु होते हैं उन्हें तो भैया साक्षात मोक्ष हो जाना चाहिए सोचो अगर एक घंटा स्नान करने से आपके लाइफ के पूरे पाप घुल जाते हैं तो गंगा में रहो जीवन के पूरे पाप धुल जाएंगे और बिल्कुल एकदम सड़ा मोक्ष हो जाएगा बोलो भैया मगर मच्छों को इन सब चीजों को क्या है जबकि ये प्रत्यक्ष देखते हैं कितने तुच्छ छह विवेकहीन है, है। इसलिए ये नहाने से किसी के पाप नहीं दूर होते हैं ऐसी अपने यहां भी ये गंदोदक पी लें तो हमारे ये हो जाएगा कितनी बेवकूफी आ गई है कितनी मूर्ता आ गई है अज्ञानता आ गई है क्या क्या है बताओ ये बोलो गंदोदक कितना पवित्र है जिसे शास्त्रों में लिखा है कि आप मस्तक के अलावा और कहीं लगा नहीं सकते बालों में भी नहीं लगा सकते यहाँ भी नहीं लगा सकते क्योंकि सर्वोत्कृष्ट उस बच्चे को पता है लेकिन और लोगों को नहीं पता है मस्तक के अलावा हम अपना गंदोदक कहीं लगा नहीं सकते एक बात बताओ अगर हम पानी पीते हैं तो वो हमारे मल के द्वारा मूत्र के द्वारा निकलता है कि नहीं निकलता है और गंदोदक पिएंगे तो बोलो क्या होगा कुछ कुछ अंदाजा है कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं बोलो कोई खबर है लोगों को पीने वालों को बस पिला दो उनको उनको बस कुछ ना कुछ चाहिए आंख में रोग हो रहा होगा तो आई ड्रॉप की तरह डालेंगे गंदोदक कोई शरीर में है लो ये नया आया मैंने नहीं सुना था ये मांग भरते हैं लो है ना और दो और कुछ बेवकूफ लोग डब्बी में ले जाकर अपने दुकान पे छिड़केंगे कि क्या होता जा रहा है बोलो है ना श्री जी का अभिषेक है हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं कोई विवेक नहीं है कोई ख्याल में नहीं है और हम ऐसे समझ बस पी लो पाप नष्ट हो जाए बस पी लो पाप नष्ट हो जाएंगे ऐसा होता है क्या है ना? एक खतरनाक बात बताऊं अगर आपका पाप का उदय हुआ तो और दो चार बीमारियां और हो जाएंगी ऐसे क्यों कह रहे हो अरे भाई थोड़ा बहुत बेसिक भी तो समझो ना गंदोदक क्या है हम प्रतिमा को परिमार्जित करते हैं ना क्योंकि दिन भर की जो धूल मिट्टी जो सूक्ष्म जीव थे उनका मल मूत्र आदि कुछ भगवान की प्रतिमा पर रह गया हो तो हम तो वो साफ सफाई का, का काम है आप घर में ऐसा करते हो अलमारी साफ की फिर उसमें पानी डाला निचोड़ा और पी गए क्या होगा बोलो डस्ट जाएगी बैक्टीरियल जाएंगे अंदर कुछ ख्याल में है आपको आंख में डाल रहे हैं हो सकता है कि रोग नहीं हो तो और हो जाए मैंने वो विराधना तो है ही सबसे बड़ी धर्म की विराधना तो है ही लेकिन स्वास्थ्य के बारे में भी तो भैया विचार करो अपना कुछ भी करना ये प्रवृत्ति ठीक नहीं है और देखो आगे पढ़ते हैं इसको खत्म करते हैं क्रोध आदि कषायों के द्वारा उपार्जित पाप जल से धोया जाता है इस बात को जड़ आत्मा से अन्य विवेकहीन मनुष्य को छोड़कर और दूसरा कोई भी विचारशील मनुष्य नहीं कह सकता है यह निश्चित है बेवकूफ है जो ऐसा कहते थे कि पाप दुल जाएगा पानी में नहा लेने से जबकि वह जल पूर्णतया शरीर को ही शुद्ध नहीं कर सकता आपको कैसे पता कि शुद्ध नहीं कर सकता क्योंकि दोबारा शुद्ध करने की आवश्यकता पड़ती है आज हमने नहा लिया तो कम से कम 10-15 दिन तो छुट्टी मिलनी चाहिए ना हमारे को बोलो दोबारा से कम जरूरत महसूस होती फिर कल दोबारा से ना हो तब देखो जिस जल से शरीर ही पूरा शुद्ध नहीं होता तब भला उसके द्वारा उस शरीर के भीतर अवस्थित दोषपूर्ण मन कैसे निर्मल किया जा सकता है अर्थात कभी नहीं किया जा सकता ठीक है यह आपको ख्याल में आया समझ में आया इस प्रकार से यहाँ पर वास्तविक शुद्धता और जाति की श्रेष्ठता का प्रकरण हुआ और चारवाक मत की जो परीक्षा है आप लोग सोच रहे होंगे कि चार बाग मत कौन है इस दुनिया में सबसे ज्यादा ढूंढने जाओगे ना तो ना आपको हिंदू मिलेंगे ना मुसलमान मिलेंगे ना बौद्ध मिलेंगे ना क्रिश्चियन मिलेंगे आपको सबसे ज्यादा मिलेंगे चार बाग है हम तो आपसे आपके मुंह से पहली बार सुन रहे हैं जो लोग ऐसा मानते हैं खाओ पियो ऐश करो है न जीने के हैं चार दिन बाकी हैं बेकार दिन ये सब जो बातें करते हैं ना ये सब चार बाग मत वाले हैं खा लो पी लो अभी तो खाने की उम्र है मौज करने की उम्र है खूब मौज करो दुनिया में खाए हैं तो ऐश कर लो है क्या क्या बातें करते हैं ये सारी बातें जो है ना ये चार बाग मत वाले करते हैं और ये, क्या ये ठीक है क्या कि दुनिया में मौज करो खाओ पियो भोग भोगो मजे करो घूमो फिरो इसी का नाम जिंदगी है क्या ये सही है नहीं है इस बात की परीक्षा हमारे आचार्य कल यहाँ करेंगे जिसकी चर्चा अपन कल करेंगे